भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं, और ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा, और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंपरोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z प्लस लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी, मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1,272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय, और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो, और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहाँ पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला, क्षेत्रीय कला कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला, और विशाल स्पेस और चेंबर्स से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला। जैसे औपनिवेशिक काल के पुराने शहीद स्मारक के सामने हमने बनाया है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक वैसे ही पुराने संसद भवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन।